चलिए शुरुआत करते हैं कि इस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना हुई और स्थापना के साथ साथ धीरे धीरे किस प्रकार से पूरे भारत में अपना राज्य विस्तार कर लिया, किस प्रकार से यहाँ के स्थानीय राजाओं को प्रभावित किए और स्वयं सत्ता में आ गए, ये चित्र आप देख रहे होंगे, है ना? बिल्कुल पहचान भी लिए होंगे, वास्को डी गामा जी हैं। आपने पिछली कक्षा में इनके बारे में पढ़ा है कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग है ना, उनकी खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में की थी। इसके बाद जैसे इन्होंने रास्ते ढूंढ लिए, समुद्री मार्ग खोज लिए, तो उसके पश्चात जितने भी पुर्तगाली जो व्यापारी थे, धीरे धीरे उन्हीं समुद्री मार्गों से अपना व्यापारिक उद्देश्य और अपनी जो एक महत्वाकांक्षा थी कि हम धीरे धीरे अपने राज्य विस्तार, व्यापार, और सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने शुरुआती दौर में जो पुर्तगाली थे वो धर्म प्रचार, जो ईसाई धर्म का प्रचार है, और अपने व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर के भारत पहुंचे, मतलब पूर्वी देशों की यात्रा की ओर निकले। तो उन्होंने देखा कि अगर हम पूर्वी क्षेत्र की ओर जाएं तो वहां पर हमको ऐसे ऐसे जगह मिले जहां पर उनको उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं मिलती गई। तो धीरे धीरे चूंकि ये यूरोपीय देश था, तो यूरोप एक महाद्वीप है और वहां भी बहुत सारे देश हैं। तो जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, तो वैसे ही डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश जो व्यापारी थे उन लोग भी आना चाहते थे यहाँ, किंतु अपने व्यापार को प्रभावित ना हो ऐसा सोच करके पुर्तगालियों ने रास्ते नहीं बताए, जो समुद्री मार्ग थे उनके संबंध में स्पष्ट जानकारियां नहीं दिए। तो बाकी जो व्यापारी थे उनको पहुंचने में काफी समय लग गए, है ना? ये जैसे आप देख रहे हैं, ये यूरोप है, मानचित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, और इधर एशिया महाद्वीप में देख पा रहे हैं कि ये हमारा भारत है, यहाँ पर छोटा सा, है ना? तो जब यूरोपीय व्यापारी, चाहे हम डच कहे, फ्रांसीसी कहे या पुर्तगाली कहे, इनको अगर व्यापार के उद्देश्य से भारत या पूर्वी देशों की ओर आना होता था, तो इन लोग समुद्री मार्ग से पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करने के बाद उनके दक्षिण छोर के किनारे से होकर के भारत पहुंचते थे। तो उनको समुद्री मार्ग से चूंकि व्यापार करना काफी आसान था, लेकिन दूरियां बहुत थी। आप देखिए, इसमें स्पष्ट हो पा रहा है, ये ब्रिटिश आइसलैंड है, यहाँ से जितने भी व्यापारी उद्देश्य लेकर के जो यूरोपियन व्यापारी थे वो निकले थे, और धीरे धीरे जो वास्को डी गामा कहे या उनके बाद और जितने भी व्यापारी हुए, इन्हीं मार्गों से, ये केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी छोर है, यहाँ से किनारे से होकर के फिर भारत के विभिन्न हिस्सों में, या मालदीव कहे, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे और जो देश हैं वहाँ पर भी उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं मिलती थी। तो वो पूरे पूर्वी जो क्षेत्र है उनके, अगर इधर जैसे हम इसको अगर यूरोप महाद्वीप देखें, तो अगर इनको दिशाओं में बांटे तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है या भारत, मालदीव और जो अन्य जैसे देश है, वो उनके पूर्वी हिस्से में पड़ता है, इसीलिए हम इनके पूर्व की ओर की यात्रा कह सकते हैं इनको। उन्होंने समुद्री मार्गों से पूर्वी क्षेत्रों की ओर, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना की अगर हम बात करें, तो आए तो सभी व्यापारी थे, पर मुख्य रूप से यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने अपना एकाधिकार किया, धीरे धीरे इन लोगों को व्यापार से दखल कर दिए और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य किए जो मजबूरन इनको अपने व्यापार को छोड़ना पड़ा। तो देखो यहाँ पर अगर मानचित्र में आपको स्पष्ट रूप से हो रहा होगा कि ये हमारा भारत है, भारत में रेशम, मलमल, नील, चावल,
बारूद, मसाले, ये सारी चीजों के उत्पादन यहाँ किए जाते रहे हैं। और वैसे ही उनको इन सारी चीजों की आवश्यकताएं थी। मालदीव है, मालदीव में भी दालचीनी, तो यहाँ मसालों के उद्देश्य से और यहाँ जो मुख्य रूप से सूती वस्त्र वगैरह की जो गुणवत्ता थी वो उनको विशेष प्रभावित किया। और इन चीजों की मांग जो है, हम अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा जो यूरोपीय देश हैं उनको इन सारी चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा थी उस समय, वहाँ विशेष मांग थी। तो जिसके कारण से पूरे जो यूरोपियन व्यापारी है वो समुद्री मार्ग को पार करके, पहले तो 1498 में वास्को डी गामा ने रास्ता दिखाई दिए थे, तो बाकी व्यापारी भी थे उन्हीं रास्तों का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे हमारे भारत की ओर आते गए। यूरोपी मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे। यूरोप में मसालों की खपत बहुत ज्यादा थी, पहले ही मैंने कहा, तो लंबे समय तक सोना और चांदी दे करके मसालों की खरीदी कर सके ऐसा संभव नहीं था। वहां मांग तो मसालों की लगातार होती रहती थी, लेकिन हर बार सोने चांदी दे करके हम ये कैसे मसाले खरीदते जाएं, ऐसा सोच करके फिर उन्होंने क्या किया कि दिमाग में अपना एक विचार लाया कि क्यों ना इनको अपना गुलाम बना ले, अपना उपनिवेश यहाँ स्थापित कर ले। तो उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वही व्यापार करने की आवश्यकता उन लोग के दिमाग में आई। इसके लिए वे वहाँ यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। धीरे धीरे वो अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति में अगर हम देखें लास्ट तक तो सफल भी होते हैं। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हॉलैंड, जो डची मतलब डच ये है व्यापारी है, फ्रांस है और इंग्लैंड की व्यापारी कंपनियां भी भारत आ गई। सबसे पहले तो यहाँ देखिए पुर्तगालियों का ही आगमन होता है व्यापारिक उद्देश्य से, फिर धीरे धीरे जो डच है, फ्रांसीसी है और फिर लास्ट में इंग्लैंड, जो जिनको हम ब्रिटिश व्यापारी के रूप में जानते हैं, वो व्यापारिक कंपनियां भारत आई। व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं के कारण इनके आपस में भी, अब देखिए सब लोग एक ही जगह पूर्वोत्तर राज्यों की ओर उन लोग अपना व्यापार करने के लिए आए हैं। अब जब एक जगह पूरे व्यापारी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर मेरा व्यापार अच्छा रहे या मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊं, ये उद्देश्य होकर के जो यूरोपीय व्यापारी थे, चाहे डच हो, फ्रांसीसी हो या पुर्तगाली हो या इंग्लैंड के, उनके आपस में ही बहुत बार संघर्ष होने लग जाते थे। तो एक बात है यहाँ पर कि क्या पूरे जो यूरोपीय देशों के व्यापारी थे भारत में एक ही स्थान पर व्यापार करने आए? तो थोड़ा सा मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक ही जगह नहीं आए, सभी समुद्र तटीय क्षेत्रों में आए क्योंकि समुद्री मार्गों से उनका मुख्य रूप से व्यापार था, किंतु एक ही जगह नहीं आए। मानचित्र में आप देख रहे हैं कि आपके कर्नाटक क्षेत्र में या इधर अगर हम गोवा के क्षेत्र की बात करें तो जो कहीं पर फ्रांसीसी तो कहीं पर डच तो कहीं पर ब्रिटिश, इस तरह से तो कहीं पर पुर्तगाली, सभी लोग जो है अलग-अलग क्षेत्रों को अपना जगह बनाए। एक ही जगह आते तो फिर शुरुआत से ही उनके बीच में आपसी तनातनी संघर्ष होते रहता। तो उन्होंने भारत के समुद्री किनारों को अपना विशेष व्यापार का केंद्र चुना और अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अलग अलग जगहों पर शुरुआत में अपने कंपनियां स्थापित की। शुरुआत में उन लोग जैसे व्यापार के उद्देश्य से आए तो यहाँ किसी भी प्रकार के कारखाने नहीं डाले थे। उनका मुख्य जो ये था कि यहाँ एक गोदाम स्थापित करना और आयात निर्यात के सामान को उसी जो कोठी जिसको कहा जाता था, एक गोदाम के रूप में हुआ करता था, जो समुद्र तटी जहाँ पर अपना केंद्र बनाते थे वहां पर उनका निर्माण करते थे। और उसमें जैसे अपने जहाज से जो भी सामान लाए उसको वहां रख दिए, उसके बाद में यहाँ से जो सामान उनको यूरोप ले जाना है उनको खरीदे और उनको वहां एक जगह रख दिए। तो एक प्रकार से यहाँ वो निर्माण कार्य उस समय नहीं कर रहे थे। हमको थोड़ा सा इसमें समझना होगा, बहुत बार ऐसे मन में विचार आ जाते हैं कि शुरुआत में आए और आते ही कंपनियां डाल दी, यहाँ उत्पादन शुरुआत कर दिए, तो वैसा नहीं था। शुरुआत में उन लोग एक सामान को इकट्ठा करने के लिए, जो सामान उन लोग यूरोप से लाते थे यहाँ बेचने के लिए उसको, और यहाँ से जो खरीद कर ले जाते थे उनको एक जगह रखने के उद्देश्य से उन लोग कोठी का निर्माण किए या एक किले का निर्माण किए, उसके अंदर वो उन सामानों को स्थायी रूप से रख दिया करते थे। तो
उस समय एक ही स्थान पर नहीं रुके, उस समय सूरत भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। पुर्तगालियों ने गोवा में, दमन एवं दीव में अपने जो शुरुआती दौर के जो व्यापारिक कार्य थे उनका शुरुआत किए। डचों ने सूरत, खंभात, पटना और मछलीपट्टनम में अपने व्यापार के लिए कोठी खोले, और साथ में फ्रांसीसी मार्टिन ने, जो वर्तमान में पांडिचेरी शहर है, कि उनकी स्थापना की, जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है, जहां आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। और स्वाभाविक है, जहां लंबे समय तक अगर किसी शासन व्यवस्था, किसी राजा की राज्य होते हैं, तो उनके जो जीवन शैली है उनका प्रभाव वहां पर दिखता है। तो फ्रांसीसी जो है बहुत दिनों तक वहां अपना शासन किए, इसलिए आज भी वहां पर फ्रांसीसी सभ्यता दिखाई देती है। फ्रांसीसी ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। इसी तरह जो इंग्लैंड के व्यापारी ने मुंबई और कोलकाता से व्यापार किया, अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट जॉर्ज किला में अपना कारखाना स्थापित किया। तो इस तरह से देखिए, जो जितने भी यूरोपियन व्यापारी थे, वो सब अलग-अलग जगहों से, स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, तो वहीं डचों ने सूरत, खंबात, पटना, मछलीपट्टनम, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी, मद्रास के निकट जो स्थित है वहां से वो उन्होंने शुरुआत किया। तो इसी तरह से जो इंग्लैंड थे, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, सभी यूरोपीय देश से ही आए थे, सभी यूरोपीय व्यापारी हैं। तो जैसे एशिया महाद्वीप है, वैसे ही यूरोप महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में भी आप देख पाएंगे, एशिया महाद्वीप में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक वैसे ही यूरोप महाद्वीप में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, अलग अलग जगह हैं। तो ये जितने व्यापारी थे सभी यूरोप महाद्वीप से आए थे, किंतु सब अलग अलग जगहों से आए थे। तो बहुत बार इन्हीं लोग के बीच में संघर्ष हो जाता था, मैं ज्यादा लाभ कमाऊं, मैं ज्यादा लाभ कमाऊं करके। लेकिन अंत तक जो अगर हम देखते हैं भारत के अगर शासन व्यवस्था की ओर, तो जो ब्रिटिश थे वो सभी को अपने व्यापारिक गतिविधियों में परास्त कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं फिर कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने बाकी व्यापारियों को बाहर करके पूरे भारत पर धीरे धीरे अपने साम्राज्य की स्थापना की। एक व्यापारिक उद्देश्य से आता है और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। हम उनकी सकारात्मकता कहें या अपनी नकारात्मकता या अपनी कमजोरी कहें, जो आज उनको इतना साम्राज्य विस्तार करने में सहायक हुए। तो ऐसे क्या क्या कारण रहे, एक सामान्य नजर उन पर हम डाल लेते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, जो उस समय तत्कालीन महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर अर्थात इजाजत हासिल कर लिया। जब उन लोग व्यापार के उद्देश्य से आए ब्रिटिश कंपनी, तो वहाँ जो उस समय महारानी थी, जिनकी शासन व्यवस्थाएं थी, एलिजाबेथ प्रथम, उनसे उन्होंने अनुमति ले ली, इजाजत ले लिए कि हम पूर्वी देशों की ओर व्यापार करने जाना चाहते हैं। कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया, तो अनुमति मिल गई, ठीक है आप जाइए, जा करके व्यापार कीजिए। अब जब वहां के शासन व्यवस्था उनको आदेशित करता है कि ठीक है आप जाइए, जा करके व्यापार कर सकते हैं, तो फिर उन लोग फिर स्वतंत्र हो गए। इस इजाजत का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे, चार्टर मतलब जो इजाजत है उसके सहारे, कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल भी सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर जो चीजें मिलती उनको खरीद करके यूरोप में उन लोग ऊंची कीमतों पर बेच भी सकते थे। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। तो इस प्रकार से अनुमति लेकर के आए, और धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से आ करके यहाँ पर युद्ध की स्थिति निर्मित कर पूरे साम्राज्य अपना स्थापित कर लेते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिए, पहले भी चर्चा में आया। तो जो हॉलैंड के व्यापारी थे और जो पुर्तगाल के व्यापारी थे, जो सबसे पहले पुर्तगाल के व्यापारी आए थे, है ना, 1498 की अगर हम बात करें, वास्को डी गामा, तो उनको जो व्यापारिक अपना जो सबका चल रहा था उसे धीरे धीरे उन लोगों को बाहर कर दिए अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए।
अब उनकी प्रतिस्पर्धा सिर्फ बच गई फ्रांसीसियों के साथ, अतः दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। फ्रांसीसी बच गए, पुर्तगाली को बाहर कर दिए, डच को, हॉलैंड को बाहर कर दिए। अब वहां पर फ्रांसीसी बच गए थे और ब्रिटिश, तो उनको भी अब उनका उद्देश्य था ब्रिटिश लोगों का कि लड़ाओ और भगाओ। तो फ्रांसीसियों के साथ फिर उनका अब स्वाभाविक है, दो ही बचे हुए तो उनको भगाना है, ऐसा उनका उद्देश्य हो गया है। तो दोनों के बीच संघर्ष होना एक आम सी बात हो गई। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, उसके समीप ही पांडिचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र था। आप मानचित्र में भी देख रहे हो, एक ये अपना पांडिचेरी है और मद्रास, दोनों लगभग आसपास में ही था। एक फ्रांसीसियों का क्षेत्र था तो दूसरा अंग्रेजों का, अब पास में ही है। तो यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था। जो कर्नाटक राज्य के नवाब थे उनके अधीन ये दोनों क्षेत्र आते थे। अतः दोनों देशों का उद्देश्य वहां के नवाब से, अब वहां के नवाब को अगर वो मना लें और उनके पक्ष में हो जाए तो स्वाभाविक है उनको, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से कहें या अपने साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से कहें, या उनकी जो मन में एक राज्य विस्तार की या ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की भावनाएं चल रही थी, उनकी पूर्ति हो सकती थी अगर वो नवाब उनके पक्ष में आ जाते। तो अब दोनों देशों का उद्देश्य वहां के नवाब से अपने अपने व्यापारिक लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना था। इसी समय कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ये हमारी विडंबना रही, कर्नाटक राज्य में उस समय जो नवाब थे वहां पर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रहा था, मैं राजा बनूंगा मैं राजा बनूंगा, है ना। जैसे उनको इंतजार था वही स्थितियां यहां निर्मित हो गई। तो जैसे दो व्यक्ति अगर राजा बनना चाह रहा है, एक कह रहा है मैं बनूंगा, एक कह रहा है मैं बनूंगा, मौका का फायदा उठा करके एक तरफ फ्रांसीसी जाकर के मिल गए, आपको राजा बनाते हैं बिल्कुल हम समर्थन करेंगे, और एक तरफ अंग्रेज चले गए, अवसर का उन लोग अवसर तलाश ही रहे थे। ऐसे समय में फ्रांसीसियों ने एक पक्ष का और अंग्रेजों ने दूसरे पक्ष का साथ दिया। इसी समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। अब तो बिहार और उड़ीसा ये अलग अलग हो गए हैं। तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय जो बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। जैसे आज भी हम नाम सुनते हैं ढाका, सूरत, पटना, मुर्शिदाबाद, ये यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध जो व्यापारिक केंद्र है, आज भी ये स्थान अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं। तो हम देखें कि उस समय ये पूरा बंगाल का हिस्सा था, तो यहाँ ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद के जो व्यापारिक केंद्र थे, इस काल में यहाँ कृषि, व्यापार और उद्योग का भी विकास हुआ और राजस्व में भी वृद्धि हुई। तो ये काफी संपन्न एक राज्य के रूप में वहां पर स्थापित हो गया था। तो इन लोगों की नजर वहां पर पड़ गई। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। इन लोग यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो ब्रिटिश कंपनियां या जो और अन्य व्यापारिक कंपनियां थी वो डायरेक्ट यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने के प्रयास में नहीं रहते थे। पहले वो यहाँ जानने का कोशिश करते थे कि कौन शक्तिशाली है, कौन कमजोर है, किनकी क्या कमियां हैं, कैसे हम उनको अपने व्यापारिक रास्ते से या अपने साम्राज्य के विस्तार के रास्ते से दूर हटा सकते हैं। तो इन लोग पहले से जानते थे कि सिराजुद्दौला काफी शक्तिशाली शासक है, तो उनसे इन लोग भयभीत रहते थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक, यहाँ पर टंकन त्रुटि हो गया थोड़ा सा, व्यापारिक छूट और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना कर सके। इन लोग चाहते थे कि सिराजुद्दौला की जगह कोई ऐसे व्यक्ति नवाब बने जो उनको जो व्यापारिक सुविधाएं चाहिए वो उनकी बातों को मान सके और उनको आनाकानी ना करे और आसानी से उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सके। लेकिन सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए ऐसी कंपनी की, लेकिन कंपनी की जो ये सोच थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीति मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। क्या इन लोग लापरवाही करते थे?
व्यापारिक कंपनियां थी वो एक तो राजस्व नहीं चुकाते थे और अन्य जो अपनी मनमाने करने की कोशिश करते थे। तो फिर ये सब बातें जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने तो उनको पता चला, तो उन्होंने ये भी जाना कि इन लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट हुक्म दिया कि हमारे जो राजनीतिक कार्य है इन मामलों में आप टांग ना अड़ाएं, मतलब किसी भी प्रकार की दखलंदाजी आप बिल्कुल ना करें। अगर आप व्यापारिक कंपनी हैं तो आपका जो कार्य है वो आप करें, है ना, और जो लगान है उसको समय में चुकाते रहे। इस तरह से सिराजुद्दौला ने स्पष्ट रूप से जो फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश कंपनियां थी उसको निर्देशित किए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को, देखो इन लोग भी, अब इन लोग का तो उद्देश्य ही है ना साम्राज्य विस्तार, जो ब्रिटिश कंपनी है, और ये अपने साम्राज्य को जो यहाँ के नवाब थे वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे, सिराजुद्दौला भी पीछे नहीं हटे और अंग्रेज, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है देखते हैं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ, देखिए इससे स्पष्ट होता है कि उस समय उनके पास 30,000 सिपाही थे, मतलब सिराजुद्दौला कितना उनका साम्राज्य विस्तार रहा होगा, कितने शक्तिशाली शासक के रूप में रहे होंगे। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, कासिम बाजार करके स्थान था, वहां वो हमला बोल दिए। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए अभी नवाब शक्तिशाली है ना, यहाँ पर हमको समझना होगा, जो नवाब के फौज थे वो जो कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी है उनके अफसरों को गिरफ्तार कर लिए, उनके जो गोदाम थे उन पर ताला डाल दिए, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गया और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिए। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। अब यहाँ उन्होंने क्या किया, जो कासिम बाजार में जो उनकी फैक्ट्री थी उनको तो उन्होंने कब्जे में ले लिया, उनके जितने भी अधिकारी वगैरह थे उनको अपने उसमें गुलाम बना के रख लिए, है ना, जो उनके गोदाम थे उसको भी बंद कर दिए। अब उसके बाद उनको पता चला कि चलिए इनका जो पहले भी चर्चा में आई कि मद्रास और कोलकाता ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख व्यापारिक स्थल शुरुआती दौर में था, तो फिर उसके बाद उन लोग कोलकाता की ओर रुख किए। कौन, सिराजुद्दौला। कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब पता चला होगा जैसे यहाँ कासिम बाजार में हमला किए, फिर उनके संचार साधन जो भी रहे होंगे वो तुरंत तो ऊपर खबर किए होंगे कि यहाँ तो एक नवाब है सिराजुद्दौला, वो हमारे कासिम बाजार पर हमला कर दिया, हमारे जो कंपनी है उसमें ताला जड़ दिए हैं, अब इन लोग कलकत्ता की ओर बढ़ रहे हैं जो वर्तमान में कोलकाता है ना। तो फिर उन लोग क्या किए, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके नेतृत्व में सेना को भेज दिए, सेनाओं को रवाना कर दिए वहां से। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिली, नौसेना, नौसैनिक मतलब समुद्री जो सैनिक है उनकी भी इनको सहायता मिल रही थी, कि इनको रॉबर्ट क्लाइव को। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। अब जब एक तरफ ये हो गए सिराजुद्दौला, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना है दोनों हो गए, तो अब जाते ही शुरुआत में एकदम उनका संघर्ष चालू नहीं हुआ, वार्तालाप हुई, सौदेबाजी चले, आप ऐसा करोगे तो हम आपको ऐसा छूट दे सकते हैं, ऐसा करोगे, तो काफी लंबे समय तक इन लोगों के बीच चर्चाएं चली, सौदेबाजी चले। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, मतलब युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है आप नहीं मार रहे हैं, ठीक है आप भी नहीं मार रहे हैं, तैयार हो जाइए। तो इस तरह से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो प्लासी की युद्ध 1757 में शुरुआत हुई, है ना। तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का, इसमें जो सिराजुद्दौला जो नवाब बंगाल के थे वो हार गए। तो हारने के पीछे एक प्रमुख कारण ये था कि उनके जो एक सेनापति थे, एक प्रकार से ये उनका मुख्य सेनापति था, है ना, मीर जाफर, उनकी कारगुजारियां, यहाँ पर एक लहजे का प्रयोग किए हैं, कारगुजारियां मतलब उनके बेईमानी, ये बेईमान सेनापति हो गए एक। अगर उस समय हो सकता है मीर जाफर अपने नवाब का साथ दिए होते तो ये युद्ध अंग्रेज ना जीत करके सिराजुद्दौला जीत सकते थे, लेकिन सेनापति जो मीर जाफर, उनकी बेईमानी के कारण उनको अंग्रेजों ने एक लालच दे दिए, इनको हटाएंगे और आपको राजा बना देंगे, आप तो अभी सेनापति हो ना,
आपको नवाब बना देंगे। लालच में आकर के मीर जाफर ने उस युद्ध में भाग ही नहीं लिया, चुप बैठ गए। जबकि अगर हम देखें तो सिराजुद्दौला को उनकी सख्त जरूरत थी, उनके मुख्य सेनापति थे, लेकिन मीर जाफर वहां पर बेईमानी कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है ना। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को हम नवाब बना देंगे। तो एक कारण उस समय प्लासी युद्ध के सिराजुद्दौला की हार के पीछे एक प्रमुख कारण यही रहा कि जो उनकी मुख्य सेना अध्यक्ष थे, उनके ये मीर जाफर, वो बेईमान हो गए। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को अब क्या लाभ हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला उसमें हार गए, तो अंग्रेजों को इससे और क्या फायदा हुआ? तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जैसे कहा था, उससे अपार धन वसूल किया। अब वो तो उनके ही आदमी थे और उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनकी बातों को तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर सत्ता से उनको बाहर होना पड़ेगा। तो मीर जाफर को उन लोग नवाब बना दिए और अपने हिसाब से मनचाहा वहां पर अपार धन वसूले, जैसे व्यापार करना चाहते थे, जो व्यापारिक सुविधाएं उनको चाहिए थी, जो छूट उनको चाहिए था, वो सब उनसे प्राप्त कर लिए और मनमाना ढंग से वहां पर अपना, एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये अप्रत्यक्ष शासन जैसे उनकी एक शुरुआत हो गई। बंगाल का नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सका। अब इनको परेशान करते रहे, हमको ये छूट चाहिए ऐसा। अब नवाब वो थे, लेकिन मान के चलो ये पूरा लाभ उनका ये ही ले रहे थे, तो ये ज्यादा दिन तक उनके जो आर्थिक मांग थे उस बोझ को नहीं झेल पाए। कौन? मीर जाफर, है ना? स्वाभाविक बात है। चलिए, अब आपको कोई किसी ने दे दिया है ऐसी स्थिति, तो आप उसमें आ गए हैं, लेकिन वो बार 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 आपको अगर ऐसे परेशान करते रहे, कितने समय तक आप उसको ये कर पाओगे? तो वही स्थितियां यहाँ पर हुई, उनके हस्तक्षेप, अंग्रेजों के हस्तक्षेप को ज्यादा समय तक नहीं ये कर पाए। अंग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उसे चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए। अब देखो, मीर आपका, जैसे उन्होंने अपने राजा से बेईमानी किए थे, है ना? कौन? मीर जाफर। अब इसके बाद जब अंग्रेजों का बात स्वीकार नहीं किए, तो अंग्रेजों ने इसको भी हटा दिए, अब ये हमारे कोई काम का नहीं। मीर कासिम को उसके जगह सत्ता पर ला दिए, उनको नवाब बना दिए। मीर जाफर की जगह अब किसको ला दिए? मीर कासिम को ला दिए। और उनको भी अब कहने लगे, चटगांव है, वर्धमान है, मिदनापुर है, राजस्व वसूलने का, उस समय जो कर वसूलने का है, वहां अधिकार प्राप्त कर लिया उनसे। उनको बोला कि ठीक है, जो मिदनापुर है, चटगांव है या वर्धमान है, वहां का हम टैक्स वसूलेंगे। अब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, तो उनको नहीं, मना भी नहीं कर सकता, और स्थायी रूप से वहां का लगान वसूलने का उनको पूरा पूरा अधिकार प्राप्त हो गया। किनको? अंग्रेजों को। मीर कासिम भी ज्यादा दिन तक नहीं इसको ये कर पाए। देखिए अंग्रेज कैसे धीरे धीरे सबको परेशान करते जा रहे हैं और सत्ता से हटाते जा रहे हैं। सिराजुद्दौला को हराए, मीर जाफर को बनाए, मीर जाफर भी ज्यादा दिन तक इन स्थितियों का सामना नहीं कर पाए, मीर कासिम को बना दिए। मीर कासिम भी अब ज्यादा दिन तक इन पाबंदियों को, इनके जो आर्थिक मांग है, उनको नहीं ले पाए। नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिए और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिए। चुंगी कर क्या होता है आप सब जानते हैं, जैसे आयात निर्यात की जो प्रक्रियाओं में बॉर्डर पार करते हैं, है ना? तो उस समय जो टैक्स लगाया जाता है, ये चुंगी कर के रूप में, इससे अंग्रेजों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई। अब नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। अब उनके अनुसार कार्य नहीं किए तो अब जो नवाब अभी कौन है? मीर कासिम। और अंग्रेजों के बीच फिर तनाव बढ़ते गया। इसके बाद हम चलते हैं बक्सर की युद्ध की ओर। बक्सर एक स्थान है बिहार, है ना? तो वहां पर किनके किनके बीच बक्सर का युद्ध हुआ, क्या कारण थे? बंगाल में अंग्रेजों की गतिविधियों को रोकने के लिए, अब बंगाल
में इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए, है ना, जो नवाब मीर कासिम हैं उन्होंने क्या किया, जो अवध के नवाब उनसे उनके पड़ोसी नवाब थे, और शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला नाम में थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, तो समझ आऊंगा। तो जो मीर कासिम है वो बंगाल पर अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित न कर ले ऐसा सोच करके अपने जो पड़ोसी राज्य के नवाब थे अवध, वहाँ के जो नवाब थे और शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच, देखिए एक तरफ कौन कौन है, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ हो गए क्योंकि सभी लोग परेशान थे अंग्रेजों से, तो उन लोगों ने भी उनका साथ दिया, और इनकी संयुक्त सेना और एक तरफ कौन है, अंग्रेज। 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध आरंभ हो गया, इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए। देखिए तीन तीन राजा मिल करके, यहाँ पर तीन तीन नवाब मिल करके, मीर कासिम जो कि बंगाल का, अवध के शुजाउद्दौला जी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके जब एक तरफ हो गए और एक तरफ अंग्रेज थे, लेकिन फिर भी तीनों हार गए, अंग्रेजों की जीत हो गई। तो युद्ध का अंत ये हुआ, अब जो कि अंग्रेज जीत चुके हैं तो फिर बोले कि हमको इलाहाबाद में व्यापार व्यवसाय और अपना शासन आधिपत्य स्थापित करना है। तो वो एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में चलो ये राजा हार गए, तो उसके बाद क्या हो, तो इलाहाबाद की संधि से हुआ, इलाहाबाद की संधि हो गई, अंग्रेजों ने इलाहाबाद में अपना व्यापार व्यवसाय, जो कि उस समय एक व्यापारिक और एक समृद्ध स्थल हुआ करता था, इस तरह प्लासी के युद्ध के जो अधूरे कार्य थे वो बक्सर के युद्ध ने पूर्ण कर दिया। प्लासी के युद्ध में 1757 में जो अधूरे कार्य थे उनके युद्ध के बाद, वो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो वो पूर्ण कर दिया। तो कैसे पूर्ण कर दिया, अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया, देखो शुजाउद्दौला को सौंप दिया, युद्ध में हार गए थे लेकिन उनको अवध पुनः वापिस कर दिया, और उसके बदले अवध में मुक्त व्यापार करने की छूट प्राप्त की, और कहा कि आप वहां के नवाब बने रहिए लेकिन हमको वहां पर मुक्त, मतलब किसी भी प्रकार की रोका टोकी नहीं, किसी भी प्रकार के कर नहीं, मनमाने ढंग से वहां पर व्यापार करने की छूट प्राप्त कर ली। यह तय हुआ उस बक्सर के युद्ध बाद की जरूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी लेकिन उसका खर्च नवाब भी उठाएगा। जब जब अंग्रेजों को सेनाओं की जरूरत पड़ेगी तो उस समय अवध की जो सेना है वो अंग्रेजी शासन को सहायता करेंगे लेकिन उनका खर्च जो है जो नवाब है शुजाउद्दौला वही उठाएंगे, ऐसा कहा उसमें स्पष्ट किया गया। तीसरी बात आई, अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो कर वसूलने का अधिकार था वो प्राप्त हो गया, है ना, मतलब देखिए धीरे धीरे कैसे अपने जाल को फैलाते जा रहे हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा यहाँ जितने भी टैक्स वसूले जाते थे कर वसूले जाते थे उनका अधिकार अब इन लोग प्राप्त कर लिए। इस प्रकार अंग्रेजों का बंगाल में एकाधिकार तो हो गया लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं संभाली, उनका अधिकार वहां हो गया, वो जैसे अपने हिसाब से मनमाना जैसे चाहे व्यापार कर रहे हैं, टैक्स वसूलने का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो शासन व्यवस्था थी उसको उन्होंने नहीं संभाला। शासन व्यवस्था अगर वो संभाल लेंगे तो क्या है, वहां सेना रखने पड़ेंगे, अन्य और व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी, तो खर्च होगा, तो खर्च वाले जो कार्य थे उसको छोड़ दिए, क्या कह दिए कि आप नवाब आप देखेंगे उसको, है ना, आप वो सब कार्य देखेंगे। तो इस तरह से द्वैध शासन चला, इसी को द्वैध या दोहरा शासन कहा जाता है, कि उन्होंने लाभ के पक्ष को, वहां टैक्स वसूलना है, फ्री व्यापार करना है, मुक्त व्यापार करना है, वो सब कार्य तो कर लिए लेकिन जहां शासन की बात आई वहां की व्यवस्थाएं देखना है, सैन्य खर्च है या अन्य जो राजकीय व्यवस्था है उनको पूरा व्यवस्थित करना है, तो सब कार्य उन लोग क्या किए, छोड़ दिए। तो इस प्रकार से द्वैध शासन रहा, है ना, तो इस द्वैध शासन का प्रभाव ये हुआ कि इससे पहले यहाँ किसानों से राजस्व लगान
वसूली फसलों की उपज के आधार पर करते थे, जैसे जितना फसल हुआ उसके आधार पर आप उसका इतना प्रतिशत हमको लगान के रूप में देंगे। अब अंग्रेज जब वहां का लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, इन लोग लगान वसूलने लगे, तो भूमि के नाप के आधार पर जितना जमीन रहता था उसमें आप फसल उगाए ना उगाए आपको लगान देना पड़ेगा। देखिए एक विशेष बात यहाँ पर आ रही है कि पहले किसान जो है उपज जितना फसल उपजेगा उसके आधार पर लगान देंगे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज शासन वहां पर लगान वसूलने लगे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, तो उन लोग क्या किए, आपका जमीन जितना है चाहे उसमें आप फसल लो, फसल कैसे भी हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, आपका जमीन अगर इतना है तो आपको ये लगान देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, भूमि के नाप के आधार पर लगान उसने निश्चित कर दिए। कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू किया। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे और उसमें एक निश्चित मात्रा अंग्रेजों को दे देते थे। इस प्रकार ठेकेदारों ने किसानों का काफी शोषण किया लगान वसूली के रूप में। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया, लेकिन ठेकेदार जो है किसानों से लगान वसूलते रहे, तो किसानों की स्थिति उस समय काफी दयनीय हो गई, जब से बंगाल बिहार और उड़ीसा का लगान जो है अंग्रेज शासन वसूलने के लिए आए तब से। वारेन हेस्टिंग फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है। संसद ने 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करता है और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजता है। अब बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन हो गया, देखिए अप्रत्यक्ष शासन अब प्रत्यक्ष शासन में बदल गया। अब सीधा सीधा वहां जो गवर्नर नियुक्त किए जा रहे हैं वो अब संसद ने 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके, तो ब्रिटेन की जो महारानी है वो अपने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वहां पर गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिए। अब उनका सीधा शासन हो गया, उन्होंने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाई जो गवर्नर जनरल थे। अब वारेन हेस्टिंग ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाई शुरू कर दी, उसने अवध, मैसूर, मराठों आदि देशी राज्यों के साथ समय अनुसार दोस्ती किए, किसी से युद्ध किए, किसी से संधि किए और अपनी इन नीतियों को अपनाई करके अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया। वही मैसूर शासक हैदर अली से युद्ध कर संधि किया। प्रथम अंग्रेज जो मैसूर युद्ध है 1767 से 1769 के बीच चला था, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, जो संधि की प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे की सहयोग करेंगे ऐसा एक तय हुआ था दोनों के बीच जब संधियां हुई थी तो। किंतु जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। संधि में ये शर्त तय की गई थी कि कोई अगर बाह्य आक्रमण होता है तो वहां पर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, किंतु जब पेशवा जो है ना मैसूर पर आक्रमण करता है तो वहां पर अंग्रेज जो हैदर अली का साथ नहीं देते हैं। हैदर अली जी वहां पर क्या बोलते हैं, मैसूर के शासक थे, तो अब स्वाभाविक बात है अगर साथ देंगे ऐसी वादा हुई है और अगर साथ नहीं दिए तो गुस्सा तो आना ही है। जब अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया तो हैदर अली काफी क्रोधित हुए, फलस्वरूप 1780 में अंग्रेजों और हैदर अली के सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और जो 1784 में और हार गए, तो 1784 में मैंगलोर के संधि के साथ ये समाप्त हुआ। युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान 25 वर्ष की उम्र में, सॉरी 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बना, है ना। अब टीपू सुल्तान जिसको शेर ए मैसूर कहा जाता था, हैदर अली उन अपनी पिताजी की मृत्यु के पश्चात ये वहां का शासक बने। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है मैसूर, वहां पर सीधा टीपू सुल्तान से उन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ की। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 के बीच था, उसके बाद उनके पुत्र जो है टीपू सुल्तान शासन में आए, तो वो 1782 से 1799 तक अपना शासन किया और 1799 में अपने राज्य की रक्षा करते करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। जैसे शक्तिशाली शासकों की मृत्यु में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, दक्षिणी अगर भारत की बात हम करें तो एक मालाबार तट है, समुद्री तट है और ये भी काफी प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल है, यहाँ भी काफी अच्छी मात्रा में व्यापार व्यापारी संधियां होती है। तो इस तरह से
हम देखते हैं कि मसालों और इनकी जो निर्यात है ये मालाबार तट से होते हैं। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ जो कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से रुके और इस तरह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान भी मारा जाता है और मैसूर पर भी एक सहायक संधि अंग्रेजों के द्वारा थोप दी जाती है। जो श्रीरंगपट्टनम की इस आखिरी लड़ाई थी वहां पर संधि हुए और संधि की कुछ शर्तें थी। तो हम देख पा रहे हैं कि सहायक संधि की कुछ नियम थे कि सहायक संधि स्वीकार करने पर प्रत्येक राज्य को अपने पास अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी जिसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता था। अपनी सेना से अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था। एक अंग्रेज रेजिडेंट प्रतिनिधि रखना आवश्यक था जिसकी सलाह पर ही वो शासन संचालन कर सकते थे। अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना पड़ता था। कंपनी को वार्षिक जो कर है टैक्स है वो देना पड़ता था। तो इस प्रकार से सहायक संधि के कुछ नियम रहे। तो उसके बाद एक मन में सवाल आता है, तो क्या पूरे भारत पर उन्होंने आक्रमण कर अपना कब्जा कर लिया? नहीं, अब एक शासन बच गया था, मराठा शासन। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी में मराठों से उनकी युद्ध की शुरुआत होती है। तो हम मराठों से जो युद्ध की चर्चाएं हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, थैंक यू।